तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे बिहार की नई भर्ती के बारे में। बिहार में नई भर्ती जो है आ चुकी है, न्यू वैकेंसीज आंगनबाड़ी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2019-20 के बारे में। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, योग्यता 10वीं 12वीं रखा गया है, आंगनबाड़ी में वैकेंसीज आई हुई है जिसकी ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग को प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार अभी ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वैकेंसीज निकाला गया फोर्थ फेज के लिए, तो यहाँ पे आप लोग जो अपना देख पाएंगे दो पोस्ट निकाला गया है आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जो है आवेदन करेंगे, तो जिसके लिए आप आवेदन करेंगे पहले चेकआउट कर लेंगे कि आपके पंचायत में जो है यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपना जिला, उसके बाद आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपना ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है, उसके बाद आप लोग अपना जो है पंचायत यहाँ पे ऑल रहेगा, पंचायत ऑल की जगह आप लोग को जो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है जो आपका है, ठीक है, जो आपका पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग का पूरा बायोडाटा आ जाएगा, देख पाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, वार्ड और जो है पोस्ट नेम, फिर वैकेंसीज कैटेगरी और यहाँ पे AWC कोड और फेज, ठीक है। ये देख के उसके बाद आप लोग को बताना चाहूँगा आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट लिंक आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चलिए अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल लिंक जहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग को ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग को आके सबसे पहले अपना पद सिलेक्ट कर लेना है, सेविका या सहायिका, ठीक है। तो सेविका हमने सिलेक्ट कर लिए, फिर आप लोग देख पाएंगे आवेदक का नाम, ठीक है, नाम डाल देंगे, पति का नाम डालेंगे, जन्म तिथि यहाँ से क्लिक कर लेंगे और डाल देंगे आप लोग जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताना चाहूँगा दिव्यांग है तो यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, नहीं तो ऐसे खाली छोड़ देंगे। फिर महिला यहाँ पे रहेंगे, श्रेणी चुन लेंगे कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी डालना होगा, मोबाइल नंबर और जिला चुनेंगे, प्रखंड, पंचायत, वार्ड। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे आंगनबाड़ी सेविका केंद्र यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग को दो पासपोर्ट सिलेक्ट करना होगा, आप जो है अपना मन से दो पासपोर्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये कैप्चा कोड इस जगह डालना होगा, फिर आप लोग पंजीकृत करेंगे यानी कि सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सारा फॉर्म आप सारा जो है यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है सारा भर के आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के मोबाइल में मोबाइल के जो है SMS द्वारा एक आईडी पासवर्ड आएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड आपने रखे होंगे और आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से आएगा। उसके बाद आप लोग को जो है डायरेक्ट क्या करेगा, रीडायरेक्ट आप लोग को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग अपना आईडी डाल देंगे, फिर आप लोग का पासवर्ड जो अपने मन से रखे थे वो, और ये कैप्चा कोड इस जगह डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोग को बताना चाहूँगा आप लोग के सामने आप लोग का प्रोफाइल खुल के ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना बेसिक डिटेल, फिर आप लोग का जो है आप लोग का एड्रेस मांगा जाएगा, फिर आप लोग क्या आप लोग को क्या बोला जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे, फिर आप लोग का जो है पाँचवें नंबर पे आप लोग को जो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और जो 6 नंबर पर आप लोग क्या करेंगे कि फॉर्म को जो प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट करेंगे, फिर PDF को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद सेव कर लेंगे अपने फाइल मैनेजर में, फिर आप लोग का ये हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग का कंप्लीट जो है प्रोसेस यही है। और आप लोग को बताना चाहूँगा जब आप लोग अप्लाई करेंगे उससे पहले आप लोग का जो फोटो अपलोड करेंगे वो 50 KB की करेंगे, ठीक है, और जो सिग्नेचर यानी साइन है वो 20 KB की आप लोग का होना चाहिए। देख पाएंगे पिक्सल भी दिया गया है, 200x230 पिक्सल का जो आप लोग का फोटो चाहिए 50 KB का, ठीक है, ये पिक्सल हुआ KB हुआ है। अगर आप लोग को ये बनाना नहीं आता है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिए, उस वीडियो को देख के आप लोग बना सकते हैं किस प्रकार बनाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा और अधिक जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि एक बार अगर आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं अगर गलती होता है तो बाद में आप लोग का सुधार नहीं होगा, इसलिए अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और यदि आप लोग का रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे फुल अप्लाई करके आप लोग को बतलाएंगे किस प्रकार आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और लास्ट में इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में यही आप लोग को इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताना था जो कि हमने बता दिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिहार से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है वैकेंसीज की इस चैनल के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।